चंबल नदी के किनारे जो है चंबल जो है दिल्ली, आपका ये मुरैना है टेक्चर, ये घर पर है, ये नदी है, तो नदी के किनारे देखा आपने ऊपर खबर जमीन कितनी पड़ी रहती है, बेकार जमीन है, तो उस जमीन को अगर हम जो 500 साल से पड़ी है तो उसको हम समतल कर लें, फिर बनाया गया प्लाट उस पर लगे। तो इसमें 3 ऑक्सीजन हैं, इसका नाम रखा पवन, इसका पवन पानी ये पावर हो गया। तो पहला है कि तुम्हारे पास अगर पानी का भाव है तो ये पानी के भाव से चलेगा, चलेगा ना, तो ये पूरा घूमेगा, सब घूमेगा ना। अब दूसरा है कि नहर है, पूरा घुमाएगा। अब सुनो कि नहर ऐसी है, उसमें एक कोठी बना दो, उसको ऊपर लगा दो, पहिया ऊपर घूम जाएगा, पानी जाएगा, कितने लोगों को बिजली मिलेगी। अब सुनो, आप कभी देवा सुंदर गए, आपने वो देखा, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, तो वो 1 करोड़ रुपये का है, और वो जब घूमता है, कब घूमता है, जब हवा चलती है, वो हवा तो बंद, वो बंद हो गया ना। जैसे आप लोग गए तो मैं वहाँ गया था, तो मैंने अपना दिमाग लगा सोच के लिखा, क्योंकि तुम्हारा अधूरा है, तो वहाँ का जो इंजीनियर कैसा अधूरा है, मैंने कहा इसलिए है अधूरा कि जब हवा चलेगी चलेगा, हवा बंद तो बंद। तो मैंने एक लाल लिखी थी कि बचपन में हमने पानी भराई और हवा तक भाई तो खूब भागती है, और हवा वो तो तुम दौड़ लगाते हो ना, लगाते हो दौड़, तो फिर वो घूमती है, इसलिए बनाया कि ये घूमेंगे चारों, जब ये चारों घूमेंगे ना तो चारों यहाँ से घुमाएगा तो चारों से लाइट बनेगी। तो पानी आपके पास है तो ठीक है ना, तो 2 बैल यहाँ लगा दो, यहाँ घुमाओ, और उसको मतलब ये रहेगा 10 फुट का, आप यहाँ घूमो धीरे, लेके इसकी साइज होगी 200 फुट वाली, तब तो घूम पाएगा, क्योंकि ये बहुत कम घूमेगा, और यहाँ आप घूमोगे धीरे धीरे, और कुछ नहीं है तो यहाँ मोटर लगा दो, इसका पट्टा चला दो मोटर पर, तो मोटर घुमाती रहेगी, एक ही खाते हुए 3 के बचेगी बचेगी ना। इसलिए बनाया हमारा कि हमारे पास जमीन जो उबड़ खबड़ पड़ी है वो हमें, और हमने ये को बता दी बेटा, आप लोग तो अभी छोटी आई थी हो, कि अब भविष्य में क्या होने वाला है, आज हमारा देश विकास में बहुत पहुँचा है, सब चीज़ महंगी हो गई, आपने पढ़ के डिग्री कर ली, नौकरी ना मिली, क्या करोगे, अगर हमारी बिजली होगी, हमारी ज़मीन होगी तो आपको नौकरी मिलेगी। तो पहला है कि ज़मीन, फिर पानी और फिर बिजली, ये होना ज़रूरी है। इस पर हमने काम किया है कि हम छोटे किसानों को, छोटे बच्चों को एक रोज़गार दिला सकें, हम तो बूढ़े हो गए, देखिए भगत बाबा जी नाती वगैरह जी काम करें, आप लोग इसको देखो फिर लिखना कि कैसा लगा, अच्छा लगा, और ये अपने अपने आप पर निर्भर है, हमें ना डीजल चाहिए ना हमें बिजली चाहिए, हमें तो ऊपर वाले ने हमको पानी दिया, जून ऊर्जा से हमने पेड़ लगा दी, उसका पावा दे दिया, नीचे पिछली माँ है, तो ये हम करना चाहते हैं कि हम अपना काम करें, अच्छा लगा। इसको घुमाना है सर, तो आप घुमाइए पहले पानी से, अगर पानी का स्रोत आपके पास है तो पानी से चलेगा, अगर नहर है तो ये नहर से भी चलेगा, यहाँ कैसे नहर तो पानी बहता है चलेगा जी, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ 2 बैल लगा दो, तो ये बैलों से घूमता है बढ़िया ऐसे, और बैल घूमते हैं धीरे धीरे यहाँ, लेकिन इसका जो हाइट रहती है वो बहुत दूर रहेगी, वो रहेगी ऊपर ऊपर घूमेंगे, तो ये जब ये चारों घूमेंगे ना चारों, तो चारों से लाइट बढ़ेगी। फिर तीसरा और जिस तरह के अगर कुछ भी नहीं है ये 4 हॉर्सपावर लाइट अगर बना रही तो 1 हॉर्सपावर इसमें लगा दो, तो 3 हॉर्सपावर लाइट बच गया, तो जब ज़्यादा बना दी तो उसका एक 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 हिस्सा इसमें खत्म हो गया, तो 3 हिस्सा आपका बचा। और अगर नहर का स्रोत है तो वह कुछ नहीं लगना, हम लोग को नहर तो चलती रहती है, ये प्लान बनाया हमारा कि पवन पानी पावर चलने वाला एक सहयोगी प्लान है। तो पहला था जमीन का, हमारा जमीन हम समतल कैसे करें, वो प्लान है जो अलवर साल से ऊपर खड़ पड़ी है 3 किलोमीटर से, बिल्कुल इधर भी एक डेग रोड बना दिया जाए यहाँ नदी किनारे, तो पानी बैठेगा तो पानी का कचरा बैठ जाएगा, तो पानी यहाँ से जाएगा नदी में जाएगा ना, ये जमीन समतल हो जाएगी तो 2 लाख एकड़ जमीन होगी हो जाएगी ना, वही जमीन होगी कछार, कितनी पैदावार देगी तो कितनी कीमत हो जाएगी, और हमारा जो धौलपुर है ये हो जाएगी। तो हमारा एक प्लान है कि इस पर लगवाइए, जो करने के बाद कंप्यूटर लोग आते जाते हैं उसमें देखें, प्लान लगा दें, यहाँ पानी है एक